मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां झोपड़ी में सो रहे 5 मासूम बच्चे आग की चपेट में आ जाने से बुरी तरह से झुलस गए हैं और बच्चों को बचाने के प्रयास में उनके माँ बाप भी आग में झुलस गए। मामला दमोह के देहात थाना इलाके के बेसनी गांव का है। लाल सिंह नाम के शख्स का परिवार खेत में बनी झोपड़ी में सो रहा था कि रोशनी के लिए रखी केरोसिन की डिब्बी अचानक से गिर गई और झोपड़ी में आग लग गई। उसमें सो रहे 5 बच्चे आग से झुलस गए। घटना की जानकारी लगते ही एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें इलाज के लिए भर्ती किया गया है। मामले में डॉक्टर 7 की हालत खतरे से बाहर बता रहे हैं। वही पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर जी, हमारा खेत में घर बना है, वहीं पे रहते हैं सर जी। वहीं पे खाना खा के बच्चे लोग हम ना सब सो रहे थे झुग्गी पे। अब लाइट तो है नहीं है सर जी, डिब्बी चिमनी दिसी थी। अब बच्चे लोग खाना खा गए, उन बेबी सो गए, हम भी सो गए सर जी। अब अचानक ना जाने चिमनी लुढ़क गई, आग कैसे लग गई सर जी, अब जी भगवान जाने। अब और आगे सर जी, अब मैं क्या बताऊँ। अभी हमारे पास कुछ देर पहले बांसनी गांव जो दमोह के पास ही है, वहाँ से एक ही परिवार के 6 लोग आए हैं। 5 बच्चे हैं और एक उनका पिता है, और ये जलने के कारण आए कि झोपड़ी में आग लग गई ऐसा कहते हुए आए हैं। और हमने सभी का तुरंत इलाज करके सभी को एडमिट कर लिया बर्न वार्ड में, और फिलहाल सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। साथ में उसके 5 बच्चे जिनकी उम्र 15 से 5 साल तक की है, वहाँ पर अचानक से आग लग गई। और आग का कारण वहाँ पे एक चिमनी रखी हुई थी, जिससे कि आग पूरे झोपड़े में फैल गई। और झोपड़े से बाहर निकलते वक्त 5 बच्चे और लाल सिंह और लाल सिंह पत्नी वहाँ पर जल गए। और तत्काल मौके पर वहाँ पे 108 और एम्बुलेंस पहुँची और उनको तत्काल एक राहत देते हुए यहाँ पे हॉस्पिटल में यहाँ भर्ती कर दिया गया है। पुलिस इसमें आगजनी कायम करेंगे और जो भी इनके सहायता के लिए हम प्रशासन को लिखेंगे। दमोह से शांतनु भारत, सागर टीवी न्यूज। श्रीमद् भागवत कथा मालवा माटी में माँ सरस्वती के वरद पुत्र पंडित श्री कमल किशोर जी नागर द्वारा श्रीमद् भागवत कथा स्थान टिकिटोरिया तीर्थ स्थल रहली जिला सागर में आप सादर आमंत्रित हैं। दिनांक 22 जनवरी से 28 जनवरी तक। समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। श्रीमद् भागवत कथा।